आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर सीटेट। तो इस सीटेट का एग्जाम जो अभी आने वाला है, इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। तो यहाँ पर आप कम समय में बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में केवल शिक्षा मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप काफी कुछ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान की कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है और इसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस किस डेफिनेशन के द्वारा दर्शाया है। साइकोलॉजी आज का शब्द नहीं है, शताब्दियों से इसको शिक्षा मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र से जोड़कर देखा जाता रहा है। तो शताब्दियों पूर्व हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने क्या करा कि इसको स्वतंत्र रूप देने के लिए इसको परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अब साइकोलॉजी के शब्द की उत्पत्ति जो है वो गैरेट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक और जो लैटिन भाषा है या फिर ग्रीक या लैटिन भाषा जो होती है उसके दो शब्दों से हुई है। एक है साइक और दूसरा है लोगो। तो साइक और लोगो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में साइक और लोगो में साइक का जो अर्थ बताया जाता है वो आत्मा बताया जाता है, जबकि लोगो का अर्थ जो बताया जाता है वो अध्ययन करना बताया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। साइक का अर्थ यहाँ पर हो गया आत्मा से और लोगों का अर्थ यहाँ पर बताया जाता है अध्ययन करने से। तो आप समझ सकते हैं अगर दोनों को कंबाइंड किया जाएगा तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसका एक अर्थ निकल के आएगा, वो आएगा आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है। तो आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है, ऐसा 16वीं शताब्दी में लगभग माना गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक इस जो साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान, इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या न होने के कारण आत्मा शब्द की स्पष्ट रूप से व्याख्या इसमें नहीं हुई, इसीलिए 16वीं शताब्दी के अंत तक इसको इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। तो अब अगर ये परिभाषा अमान्य हो गई है, मतलब इस परिभाषा को नहीं माना जाता साइकोलॉजी के लिए, तो अब कौन सी डेफिनेशन मानी जाती है, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो 17वीं शताब्दी के लगभग प्रारंभ में इटली के जो मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी और उनके कुछ सहयोगी थे, सहयोगी मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ऐसा माना कि मनोवैज्ञानिक जो है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, तो अब पहले माना जाता था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है, लेकिन अब माना जाने लगा कि साइकोलॉजी जो है वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो अब इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया, 18वीं शताब्दी में लगभग अमान्य कर दिया गया, क्योंकि इसमें पूरा इसका जो अर्थ है वो एक अपूर्ण अर्थ निकल के आ रहा था कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान एक साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। तो इसको एक अपूर्ण अर्थ होने के कारण इसको भी अमान्य कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 19वीं शताब्दी में विलियम बुंट, विलियम जेम्स और जेम्सली टिचनर वाइब्स, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इस साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान माना। तो अब ये चेतना का विज्ञान माना जाने लगा लगभग 19वीं शताब्दी में। तो अब इसके बाद जो पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, उसके बाद चेतना का विज्ञान, उसके बाद उसको माना जाने लगा कि ये जो साइकोलॉजी है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इसके बाद हमने देखा कि जो टिचनर वाइब्स जैसे मनोवैज्ञानिक है वो इसे चेतना का विज्ञान कह रहे हैं। तो अब साइकोलॉजी की एक नई परिभाषा निकल के आई कि साइकोलॉजी जो वही है वो चेतना का विज्ञान है। तो अब यहाँ पर ये जो 19वीं शताब्दी में परिभाषा निकल के आई थी इसको मान्यता दी जाने लगी, लेकिन 20वीं शताब्दी में इस परिभाषा को भी अमान्य कर दिया गया। अब यहाँ पर लगभग जो विलियम मैकडूगल थे उन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन जो साइकोलॉजी है इसमें इसे चेतना शब्द की उन्होंने निंदा की और इसमें बताया कि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान जो है वो चेतना शब्द या चेतना का विज्ञान नहीं है बल्कि ये व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो अब यहाँ से 20वीं शताब्दी से इस साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा और कई सारे वैज्ञानिक इसको मानने लगे, जैसे कि वॉटसन है, वुडवर्थ है, स्किनर है, मैकडूगल है या फिर थॉर्नडाइक है, तो ये सभी इसको चेतना का विज्ञान मानने लगे। तो चेतना का विज्ञान यहाँ पर 20वीं शताब्दी से इसको माना जाने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो विलियम बुंट जो है वो जर्मनी के लिप्चिंग शहर में 1889 को प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला भारत में जो 1915 कलकत्ता में सेन गुप्त द्वारा स्थापित की गई थी, उस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान इसको इसीलिए माना जाता है क्योंकि 1915 में कलकत्ता में सबसे पहले प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो वाटसन का जो कथन है वो ये कहता है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बनाना चाहता हूँ जो वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पर निकल के आता है कि वाटसन ने इतनी बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर आप अगर उसे कोई भी बालक देते हैं तो वो उसको अपने अनुसार उसको डाल सकता है।
ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान इसको नहीं माना गया, क्योंकि व्यवहार के द्वारा यानी कि जो किसी भी बालक की परवरिश जिसमें जिस वातावरण में होती है उसी वातावरण के अनुसार वो स्वयं का व्यवहार कर लेता है, उसमें उसी के गुण निहित रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया और उसके बाद मन मस्तिष्क का त्याग किया, तो यानी कि मन मस्तिष्क का विज्ञान इसको माना गया। फिर यहाँ पर इसको चेतना का विज्ञान माना गया, तो यहाँ पर कहा गया इन्होंने कि चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। तो इसका मतलब वुडवर्थ ने इसकी एक बारे में पूरा का पूरा जो शुरू से लेकर अब तक का मनोविज्ञान का परिभाषा निकल के आई थी उसको एक अपने कथन में सम्मिलित कर दिया गया। वो कथन ये था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अपना दे दिया था। तो ये काफी पूछा जाता है सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसने कहे थे, तो ये कथन किन किन के हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैकड्यूअल के अनुसार जो बात की गई है, तो मैकड्यूअल ने इसको मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान माना है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि मनोविज्ञान जो है वो 20वीं शताब्दी में लगभग व्यवहार और आचरण का विज्ञान माना गया था, तो मैकड्यूअल ने इसमें अपने कथन में इसको सम्मिलित किया है। स्किनर की बात करें तो स्किनर ने इसको मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव का विज्ञान कहा है। तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर का कथन था। उसके बाद वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध निश्चित सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है, ये वाटसन ने अपने कथन में सम्मिलित किया था। तो मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध निश्चित और सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। इसके बाद क्रो एंड ट्रो के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो मानव व्यवहार है और मानव संबंध है उनका अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। इसके बाद मन के अनुसार, मन एक मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो इनके अनुसार भी मनोविज्ञान की एक अलग डेफिनेशन दी गई। इसके बाद स्किनर के अनुसार जो डेफिनेशन एक और निकल के आई वो आई है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापकों की तैयारी की क्या है, एक आधारशिला है। इसके बाद मनोविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाएं हैं, उनको एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य मनोविज्ञान आता है, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, फिर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास जो आता है जिसमें हम बालकों की जन्म से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक की बात करते हैं, ये बाल विकास इसमें आ जाता है। इसके बाद किशोर मनोविज्ञान आता है जिसमें हम किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रौढ़ मनोविज्ञान आता है विकासात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक और क्लिनिक मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। उसके बाद परामैन मनोवैज्ञानिक आता है जिसको आधुनिक शाखा बोला जाता है। उसके बाद पशु मनोविज्ञान आता है और फिर शिक्षा मनोविज्ञान आता है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 14 इसकी शाखाएं हैं, एक एक करके हम इसमें बात करते रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रुडोल्फ गोएकल ने किया था। ठीक है, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो रुडोल्फ गोएकल को जाता है, आप इसको नोट कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान का मुक्त कराया, तो मनोविज्ञान का जो मुक्तिकरण है वो विलियम जेम्स को जाता है इससे दर्शन शास्त्र से पहले, क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था इसे, तो लेकिन विलियम जेम्स ने इसको इस दर्शन शास्त्र से अलग बताया। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को जाता है। इसके बाद अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ही है और मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति लगभग 1900 ईस्वी में मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 19वीं ईस्वी में मानी जाती है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में थार्नडाइक, जड, टर्मन, फ्रोबेल, हरवन और आदि जितने मनोवैज्ञानिक उनके प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ये 1920 में शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था, इससे पहले स्पष्टता इसकी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया था कि 20वीं शताब्दी तक इसको चेतना तक का विज्ञान माना जाता था, लेकिन उसके बाद व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, तो स्पष्टता जो थी वो 1920 में लगभग इसको मिली थी। तो सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो थार्नडाइक है उनको माना जाता है। तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है वो थार्नडाइक है, इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया और ये इन्होंने अपनी क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दे दिया था। यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं।
तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका सूत्रपात रूसो ने किया था और उन्होंने अपने पुस्तक ईमेल में लिखा है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। तो ईमेल एक रूसो की पुस्तक है और इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है। इसके बाद रूसो के अनुसार अगर हम बात करें तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। तो रूसो जो है वो प्रकृतिवादी हैं और इन्होंने काफी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बताया है। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार इसका कथन है। जैसा कि मैंने बताया था अभी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है जो कि बिल्ली पर इनका प्रयोग किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको कई बार पूछा गया है। तो मैंने वहां पर क्रिया प्रसूत सिद्धांत बोला था तो वो स्किनर का है। यहाँ पर इनको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी क्वेश्चन आया भी था यूपीटेट में, इसको पूछा गया था कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, तो वो आंसर होगा किसका, थॉर्नडाइक का। इसके बाद फ्रोबेल जो कि किंडरगार्टन के जन्मदाता माने जाते हैं, तो फ्रोबेल ने बताया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करें तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत मनोविज्ञान है, ऐसा स्किनर मानते हैं। और ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या दृष्टि से अध्ययन है। तो ट्रो ने भी माना था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। इसके बाद एजुकेशन जो है, एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और एजुकेयर और एजुकियर। तो एजुकेयर और एजुकियर जो है वो दोनों, यहाँ पर दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। एजुकेयर का अर्थ यहाँ पर होता है पालन पोषण, और एजुकेशियर का जो अर्थ होता है वो होता है आगे बढ़ाना। इन दोनों के अर्थ अलग अलग बताए गए हैं, आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आप इससे डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, इसमें नियम और सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण भी किया जा सकता है। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसी शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, तो ये इसकी प्रकृति है। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर सीटेट में पूछा जा सकता है या फिर यूपीटेट में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान से नोट कर सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति इनमें से कौन सी नहीं है या इनमें से कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। इसके नियम व सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये इसकी कुछ प्रकृति है। इसके बाद शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, तो स्वयं को पहचानने में सहायक ये शिक्षा मनोविज्ञान की एक उपयोगिता है। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक स्वयं को पहचानने में अपना सहायक होता है ये। इसके बाद बालक को पहचानने में सहायता मिलती है इससे, शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में भी इसको इससे सहायता मिलती है, और किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में इससे सहायता मिलती है। इसी तरीके से बालकों के प्रति प्रेम सहानुभूति व समदृशी भाव अपनाने में सहायक, बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक, और बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करना, ये भी क्या है, सब इसकी उपयोगिता के अंतर्गत। ऐसी मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी इसकी उपयोगिता के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं इसमें अधिगम की, तो अधिगम क्या है, तो ये अधिगम काफी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, तो ये अधिगम क्या है, तो अधिगम की कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, इनको आप ध्यान से सुन लेंगे। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये उद्देश्यपूर्ण है, और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, सार्वभौमिक है, विवेकपूर्ण होता है, निरंतर होता है, और खोज करना ही अधिगम है। सक्रिय प्रक्रिया अधिगम है, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है, अधिगम एक नया कार्य है, अधिगम अनुभवों का संगठन है,
वातावरण की उपज अधिगम है और अधिगम जो है वो एक विकास है। तो ये इस तरीके से इसमें 15 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, ये सभी इसकी विशेषता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक और उनकी दशाएं हैं। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम को इनमें से कौन सा प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो आगे इसमें बात करते हैं तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, वातावरण सबसे पहले आता है इसमें। तो वातावरण अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आपको अगर लर्निंग करनी है, सीखना है, तो सीखने के लिए आपका जो माहौल है, वातावरण है, वो बिल्कुल परिशुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो इससे ही इसका वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक तो प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण, दूसरा परिपक्वता, तीसरा आता है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, चौथा इसमें आता है विषय सामग्री का स्वरूप, पांचवा आता है सीखने का समय व थकान, छठा आता है प्रेरणा, सातवां आता है सीखने की इच्छा, आठवां अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, नौवां सीखने की विधि, और दसवां यहाँ पर आता है संपूर्ण परिस्थिति। तो ये कुछ इसमें बात आती है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। तो इसके बाद कुछ नियम बताए गए हैं, मुख्य नियम बताए गए हैं, जैसे कि रायवर्ण का नियम आता है यहाँ पर अधिगम से संबंधित। तो वो अधिगम से संबंधित इसका रायवर्ण का नियम है क्या? तो यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो इसे सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। तो रायवर्ण ने ये बताया था, तो रायवर्ण ने अपना जो कथन दिया वो ये दिया कि यदि शिक्षण विधियों में कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है कि सीखने का जो कार्य है वो संतोषजनक हो जाता है। इसके बाद थार्नडाइक ने अपने सीखने का नियम दिया था, तो इन्होंने जो अपने 8 नियम दिए थे ये ध्यान रखेंगे। सीखने के थार्नडाइक के कितने नियम है? 8 नियम है। इनमें से 3 प्रमुख हैं और 5 गौण नियम, सहायक नियम बोलते हैं। तो 3 नियम इनके प्रमुख हैं। उन प्रमुख नियमों में सबसे पहला आता है तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कर पाएगा और तत्काल कर लेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि घोड़े को अगर पानी के तालाब तक ले जाया जाता है तो उसको आप आसानी से ले जा सकते हैं, लेकिन उसे विवश नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। ठीक है, तो आप उसे ले तो जा सकते हैं पानी के पास, लेकिन उसे तत्पर नहीं कर सकते, उसे बाध्य नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। ठीक है, अगला जो आता है, दूसरा नियम आता है, वो आता है अभ्यास का। तो इसमें बात की जाती है करत करत अभ्यास के गर्भवती हो सुजान। तो इसमें हम कह सकते हैं कि उपयोग का नियम पहला आता है। तो यदि कोई कार्य पहले से किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। तो ये अभ्यास से होता है, और अभ्यास करने से बहुत जल्दी सीख और हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में रहता है। इसके बाद दूसरा आता है अनुपयोग का नियम। तो अनुपयोग का नियम क्या है कि यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसे भुला देता है। तो ये अनुपयोग का नियम है कि अगर आप किसी भी चीज को दोहराते नहीं तो ये आपका जो मस्तिष्क है उसको भुला देता है। तो ये अनुपयोग का नियम कहलाता है। इसके बाद तीसरा नियम जो आता है वो है प्रमुख नियम में प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम। तो यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और यदि हमें उस कार्य को करने में असंतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये प्रभाव, संतोष और असंतोष का नियम कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं गौण और सहायक नियम कुछ। तो गौण नियम जो है, सहायक नियम जो है, उसमें पहला आता है यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है कि कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लेता है। तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। उसके बाद आता है मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मन या मेहनत से किया जाता है वैसी ही सफलता मिलती है, तो ये मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। इसके बाद आता है आंशिक क्रिया का नियम। तो किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बात हम कर लेते हैं, तो ये आंशिक क्रिया का नियम है। ठीक है, इसके बाद आता है आत्मीकरण का नियम। तो आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि सादृशीकरण, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने कार्य को किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। तो किसी कोई नया कार्य अगर आप कर रहे हैं तो पुराना जो ज्ञान है आपका, जितनी जानकारी आपको है उसको अगर आप अपने नए ज्ञान में मिला देते हैं तो ये आत्मीकरण का नियम कहलाता है। ठीक है, और लास्ट इसमें आता है गौण नियम में संबंधित परिवर्तन का नियम। ये कहता है कि क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि पावलोव का कुत्ता वाला जो नियम था, पावलोव का कुत्ता जो है उसमें उन्होंने कुत्ते को तो
बदल दिया, लेकिन परिस्थिति वही रही। इसमें ये कहलाता संबंधित परिवर्तन का थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो इसमें हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो थार्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है वो लगभग 1913 में दिया गया था, 1913 में ये नियम आया था, और ये कहाँ दिया गया था, USA में। तो इनकी बुक आई थी एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसमें ये चर्चा इसकी की गई थी। तो इसमें प्रयोग क्या था, बिल्ली पर यहाँ पर प्रयोग किया गया था, जो कि भूखी बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने किया था। तो उद्दीपक यानी कि स्टोमसल जो था वो था यहाँ पर मांस का टुकड़ा या फिर मछली का टुकड़ा। तो उद्दीपक जो था वो क्या था, मांस का टुकड़ा था। तो इनका जो सिद्धांत है ये, इस सिद्धांत को हम कई और नाम से भी जानते हैं, तो इनके उपनाम के बारे में काफी पूछा जाता है। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बॉन्ड का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, तो इनको हम इस नाम से जानते हैं। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो सिद्धांत है वो SR बॉन्ड का सिद्धांत, ये इसको बोला जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो थार्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत है उसका कुछ शैक्षिक महत्व भी है, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। तो बड़े व मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है इससे, सफलता के प्रति आशा, कार्य की धारणा स्पष्ट होती है और शिक्षा के प्रति रुचि। गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है ये, और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास ये करता है। तो यहाँ पर हमने काफी कुछ ये सीख लिया है। तो थार्नडाइक का ये सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण है, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से काफी जानकारी मिली होगी।